बालक मंदिर की शिक्षिका माधुरी सावनूर की शादी प्रमिला तय करती है। इसी बीच प्रमिला की तबीयत बीच बीच में बिगड़ती है। डहाड़ू में बालवाड़ी का बिल्डिंग का काम शुरू होने वाला था कि अचानक कॉन्ट्रैक्टर ने 10,000 रुपए न मिलने से बिल्डिंग का काम शुरू करने से इनकार कर दिया। इसी कारण प्रमिला चिंतित हो जाती है। जीजी इस समस्या का हल करती है। चलिए आइए सुनते हैं इसके आगे की स्थिति क्या है। घर तीनों का हो, इस नाटक का छठवां भाग। ये देख, आ गया तेरा धौंसिया ससुर। गोपाल जी महाराज पधारे हैं। शादी के सामानों की सूची लेने आया था। हद देती हूँ, बैठ तो। वैसे दीदी एक बात कहूँ। हाँ। माधुरी दीदी की शादी की तैयारियाँ बड़े जोर शोर से कर रही हैं आप। तू भी तय कर डाल अपनी शादी, फिर वो भी बड़ी धूमधाम से करेंगे, ठीक है ना? हाँ, क्या शादी का इरादा है कि नहीं? मेरे इरादे करने से क्या होता है दीदी, लड़की कौन देगा मुझे? क्यों, कोई भी देगा। चल मैं ही पूछती हूँ, मान ले हमारी बेबी के लिए। बेबी के लिए? हाँ, तो उसके बारे में सब कुछ जानता है। हाँ, बीच बीच में दौरे पड़ते भी हूँ तो क्या हुआ, वो पागल नहीं है, अच्छी व्यवहारिक है। डॉक्टर कहते हैं शादी के बाद हो सकता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, तो करेगा क्या रे तू उससे शादी? जाने दे, छोड़, मैंने तुझे उलझन में डाल दिया, लेकिन मैं हूं ना आखिर माँ उसकी। ये पावरा मन जहां तहां उम्मीदों का मारा। खैर जाने दे गोपाल, तू नाराज मत होना, मेरे मन को समझने की कोशिश करना। माफी चाहता हूँ दीदी, मैं चुप रहा तो गुस्से में नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं कहीं भी आप लोगों की बराबरी का नहीं हूं, लेकिन अगर आपको कोई हर्ज नहीं तो मैं करूंगा बेबी से शादी। गोपाल, बेबी मुझे अच्छी लगती है। क्या? मैं उसका पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। क्या गोपाल, अरे अरे यही शब्द सुनने के लिए तो मैं कब से तरस रही थी रे। तुझे अंदाजा नहीं कि कितनी बड़ी उलझन से छुटकारा दिया है तूने मुझे। शंकर, अरे शंकर आया। शंकर, डब्बे में बर्फी रखी है, वो लेकर आना। अभी लाता हूँ। जाना जल्दी। अरे दीदी, सामानों की सूची रहना जाए इस खुशी के जश्न में। अरे ऐसा भी क्या रे, हमेशा जैसे काम का भूत सवार रहता है तेरे सर पर। अरे आप ही ने तो सिखाया है, पहले काम फिर आराम। ये रही बर्फी और ये चलाओ मैं। ये ले, मुंह मीठा कर। कल माधुरी की शादी निपट जाए एक बार तो फिर अगली सारी बातें तय करेंगे, ठीक है? ठीक है। ये लो सूची और ये ले पैसे। अरे इतने किस लिए? इस सूची की चीजों के अलावा एक और चीज खरीदनी है। ये साड़ी देखी? हाँ अच्छी है। माधुरी के लिए ली है, कोने पर के बंसी स्टोर में से। हूबहू ऐसा ही एक पीस लेकर आना उसके पास से। बेबी के लिए? हाँ, साड़ी के लिए रूठ कर बैठी है, अब साड़ी लेकर ही उससे मिल जा, जल्दी जा। ये चहल पहल किस बात की है? अरे बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है, जो बात असंभव लगती थी ना मुझे वो संभव हो गई है। अपनी बेबी की शादी तय हो गई है इस गोपाल से, उसने उसे अपना लिया उसकी बीमारी के साथ। उसमें क्या खास बात है, पहले से ही नजर है उनकी अपनी बेबी पर। क्या बोल रहा है, तुझे कैसे पता? याद नहीं आपको, बेबी दीदी की घड़ी मिली थी उन्हें। हाँ। वो बेबी दीदी की ही है, ये भला उन्हें कैसे पता चला, अगर उस पर बराबर नजर नहीं थी उनकी तो। अरे तू तो बड़ा होशियार निकला रे। फिर मेरी समझ में ये सब क्यों नहीं आया? ऐसा ही होता है।
बताऊं बेबी दीदी को? नहीं, अचानक दिमाग पर असर पड़ा तो अटैक आ सकता है। आराम से धीरे धीरे बताना पड़ेगा। कोई गरज नहीं है बताने की, अभी यही तो खड़ी थी मैं बेसिन में मुंह धोती हुई। देखा, सहज ही हो गया अपना काम। बड़ा आया काम वाला, जा अपना काम देख। ठीक, जाता हूँ। माँ, मैं तेरे लिए बोझ हो रही हूँ ना, तो सीधे सीधे बोल दे, मैं इस घर से निकल जाऊंगी, लेकिन मेरी शादी किसी ऐरे गरे से तय करेगी तो देखना। ऐरे गरे से? अरे गोपाल जैसा अच्छा लड़का। वाह, कल को तो मदारी के बंदर को भी अच्छा बोलेगी, बोर्डम है वो एक नंबर का। मेरे साथ खड़े रहने की भी लियाकत है क्या उसमें? चला है मुझसे शादी करने। कहो, पहले नौकरी तो ढूंढे ढंग की। बालक मंदिर में पड़ा है जन्म भर 200 रुपयों पर। बकवास बंद कर। गोपाल को ज्यादा वेतन की दूसरी नौकरी कभी भी मिल सकती है, लेकिन वो कम पैसों पर काम कर रहा है तो बालक मंदिर पर अपनी निष्ठा की वजह से। ये जो सेवा भाव है ना, ये तू नहीं समझेगी। वेदक खानदान का खून है ना तेरी रगों में, मौज शौक का, गुलछर्रे उड़ाने का, तो फिर तू सादगी को बड़ोपन बोलेगी ही। गोपाल को धुतकारती है, जा मत कर उससे शादी, ढूंढ ले कोई राजा महाराजा मिलता है तो। मुझे कैसे मिलेगा राजा महाराजा, मैं पागल हूँ ना, मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, इसीलिए तू रास्ते पर के किसी भिखारी के भी गले भी मुझे बांध कर छुट्टी पालेगी। क्या भक्ति है तेरा, क्या भरोसा, फटीचर पसंद है तेरी, इसीलिए तो तेरी पापा जैसे शानदार आदमी से नहीं बनी। तुझे पापा नहीं चाहिए, गोपाल चाहिए, डॉक्टर चाहिए। बेबी चुप रहती है ये नहीं। क्यों चुप रहूं मैं क्या देखती नहीं हूँ कि डॉक्टर से कैसे हंस हंस कर बोलती है तू? तुझे अपना पति ना पसंद है, बाकी के सारे मर्द प्यारे लगते हैं तुझे। बेबी मारेगी मुझे तो फिर मारना, जान ले ली मेरी, यानी फिर छूट जाएगी तो एक बार की, फिर शादी की जिम्मेदारी से। मैं क्या करूं? क्यों, अब क्यों डर गई? नहीं डरी नहीं, गलती मेरी है। माँ बाप और संरक्षक को बच्चों को मारना नहीं चाहिए, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, यही तो मैं आज तक कहती आई हूँ। मैं गोपाल से शादी नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं। बेबी प्रमिला, समझने की कोशिश कर, उसे समझने की कोशिश कर, वो कितने भी आघात करे, कितना भी दुखाए तेरा मन, तो भी प्रमिला पी जा गुस्सा और कर सब कुछ सहन। वो जानती है कि उसकी माँ पवित्र है, तो भी उसे खुशी होती है प्रमिला तुझ पर लांछन लगाते हुए। तूने जो उस पर अन्याय किया है उसकी सजा के तौर पर बोलने दे, उसे बोलने दे, दाहक शब्दों में जहर लगाकर बोलने दे। अगर रह गई मन ही मन में धुन दुआती, तो होगा कभी ना कभी भयानक विस्फोट, सर्वनाश, विध्वंस। बेहतर है उसे बोलने दे और तू झेल उसके शब्दों के हथौड़े। प्रमिला पी जा गुस्सा और कर सब कुछ सह। क्यों सहूं, कितना सहूं, पर सहन तो करना ही पड़ेगा बेबी के लिए। अरे कहाँ जा रही है शाम के वक्त? मेरी मर्जी, कहीं भी जाओ, तुझे क्या करना है? अरे लेकिन कोई चिंता मत कर मेरी, वापस आऊंगी मैं, इतनी जल्दी तो तेरा पिंग नहीं छोड़ूंगी, जाती हूँ मैं। बेबी बेबी सुनो तो। अरे अकेली क्यों बैठी है अंधेरे में, दिया तो लगा लेती। जी जी
हो गई पैसे की व्यवस्था? अरे नहीं री, वो मुआ पारसी चला गया है लोनावाला, गुल छड़ रहे उड़ाने। कहते हैं कल आएगा, जाऊंगी कल फिर से, छोड़ूंगी थोड़े ही उसका पीछा। नाहक चक्कर लगाना पड़ा तुम्हें। चक्कर को रहने दे, कल काम शुरू नहीं होगा उसकी तू फिकर कर। प्रमिला जी, कोई तुमसे मिलना चाहते हैं। कौन है? नाम तो नहीं बताया, पर दिखने में एकदम कमजोर से, बदन पर मैला फटा हुआ कुर्ता पैजामा और हाथ में छड़ी, थोड़ा लंगड़ा भी रहे हैं। May I come in, girls? डीएन, आप? अरे मैंने तो पहचाना ही नहीं। बड़े कमजोर दिख रहे हैं आप तो। कमजोर? अरे नहीं, अब तो सारी कमजोरियां खत्म होने की राह पर हैं। अरे मालिक आए हैं? हाँ भैया, आया हूँ। तुझे देखा तो लगा कि हाँ घर आ पहुंचा। मालिक, पैर को क्या हुआ? अरे चला गया गड्ढे में और आ गई मोछ। अरे अपनी तो जन्मजात आदत ठहरी, खासकर गड्ढा जहाँ भी हो उसे चूकना नहीं, खुद जाकर उसमें गिरना। पीना बढ़ गया लगता है। ए? शराब का बोल रही हो ना? ना, जरा भी नहीं पीता। सच बोल रहे हैं? और नहीं तो। अरे हम आज जिस हालत में हैं, वहां आदमी शराब नहीं पीता, शराब ही आदमी को पीती है। एक घूंट, बबली कहाँ है हमारी? बाहर गई है, आ जाएगी। वो कैसी है? नलिनी कैसी है? फर्स्ट क्लास। डॉक्टर की गरज नहीं, दवाई की गरज नहीं, पूरम पूर ठीक हो गई। सारी बीमारियां, शारीरिक मानसिक, सब हमेशा के लिए, हमें हमेशा हमेशा के लिए छूट गई। क्या? हाँ। क्या कहा आपने? वो नहीं रही? पिछले ही महीने। ये बोतल, हमारी इस बीमारी से उसकी वो बीमारी ज्यादा तेज दौड़ाक निकली। एक हमारी मौत है, क्या रही है? खरामा खरामा, कदम ब कदम। नलिनी ही ज्यादा खुशकिस्मत निकली। वसीयत नामा बना रखा था उसने, उसके मुताबिक घर बेच दिया। हमारे लिए पहले ही एक छपरा बांध कर रख दिया था उसने। उसमें अब हम दोनों रहते हैं, मैं और हैरी कुत्ता। हैरी बेचारा एकदम बूढ़ा हो गया है, बैठा रहता अकेला छपरे की रखवाली करता हुआ। यो अंदर रखवाली करने जैसा कुछ है भी नहीं। हाँ, बस कहने का एक तरीका है, और क्या। मालिक, यवतमाल का घर तो कितना बड़ा था, और अब ये छपरा। अरे सब चलता है शंकर। अरे उस वक्त वो सच था, अब ये सच है भाई। जिंदगी तो बस एक सफर है। अब पिछले स्टेशन पर बड़े लहलहाते खेत थे, इसलिए क्या गाड़ी वहीं ठिठकी रह जाएगी? सच है, आपने जिंदगी भर ऐश की, लेकिन जिंदगी से जो मोह हमें है वो आप में नहीं है। जिंदगी से नहीं होगी, पर इस बोतल से तो है। तुझे अपने शिक्षा कार्य से है। वे आदमी बड़ा हो छोटा हो, किसी ना किसी तरह का मोह तो उसे होगा ही होगा। हाँ, अब वो किस बात से मोह है, बस सिर्फ उसी पर आदमी का ओछापन और बड़प्पन तय होता है, और क्या। हाँ, अच्छी याद है शंकर। ये ले भाई, तेरी ये मालगुजारी, तेरी बीड़ी का बंडल। मालिक, आज दिलदार हो ही रहे हैं तो एक चीज मांग लूं? चल दे दिए। देखिए देखिए, बाद में कहीं मना ना करिएगा। हाँ, वाह, मना कैसे कर दूंगा? बैरिस्टर डीएन वेदक का वचन है। हाँ, तो फिर आज शराब पर खाली पेट नहीं सोएंगे। मैं खाना पकाऊंगा, आप खाएंगे बड़े शौक से, एक भर खाएंगे। ये तो बड़ा जुल्म कर रहा है भाई तू। अरे हाल के दिनों में मैं तो खाना खाता ही नहीं। अब वचन दे दिया है तो उससे मुकरेंगे नहीं।
अब देखिए तो कैसा फर्स्ट क्लास खाना बनाता हूँ, आमलेट। जी 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 जी, राम राम। चलिए दीदी जरा हाथ बटाइए ना। आमलेट आमलेट मैं नहीं बनाऊंगी, चल 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 चल। आज अचानक कैसे? अरे हाँ, बताना तो रही क्या, ये हमारी नलिनी थी ना, थोड़ी बुद्धू ही थी। अरे घर बेचकर आए पैसे, कैश, गहना, सब कुछ हमारे नाम कर गई। कुल करीब 1,00,000 रुपए की मिल्कियत। अब इसे इतनी अकल नहीं कि ये पियक्कड़ आदमी एक तो खुद पिएगा फिर दूसरों को पिलाएगा। अरे पैसे नहीं होंगे तो कर्ज की हाथ भट्टी की पिएगा, पैसे होंगे तो स्कॉच विस्की से स्नान करेगा। इसे 1,00,000 रुपए देने से क्या फायदा है? नहीं, उसे पानी बनाकर बहा देने में 4 महीने भी नहीं लगेंगे। लेकिन ये औरत ही ऐसी थी, पहले ही से बस चुटकी भर किया कर, तभी तो हमारे साथ जिंदगी भर निभा गई। किस पर ताना मार रहे हैं पता चल रहा है? इसके उल्टे मेरा दिमाग देखो, शराब में सवेरे से लेकर रात तक डूबा हुआ सड़ रहा है, पर अभी भी उतना ही तेज, उतना ही धारदार है। मैंने क्या किया देखा तूने? जी। ये देख लिफाफा, ये रहा 1,00,000 रुपए का चेक तेरी डहाणू की बालवाड़ी के लिए, नाम जो लिखना हो लिख लेना। क्या कहते हैं आप? आप अपने पूरे 1,00,000 रुपए बालवाड़ी के लिए दे रहे हैं? अरे तो उसमें ऐसा कौन सा बड़ा परोपकार कर रहा हूँ, ये बालवाड़ी का काम आखिर है किसका, तेरा ही ना या किसी पर आएगा? और सुन, अगर तुझे ये दान सा लग रहा हो तो बालवाड़ी को हमारी बबली का नाम देना, मेरी ऐसी इच्छा है इसलिए। दे दूंगी, दे दूंगी, बेबी का नाम दूंगी, बेबी के नाम से स्कूल की इमारत खड़ी होगी, आदिवासी बच्चे पढ़ लेकर सयाने बनेंगे, बड़े बनेंगे, और हमारी बेबी रह जाएगी। ऐसे विचार तुझे शोभा नहीं देते प्रमिला। अरे वे सारे बच्चे तेरे ही तो हैं, है? उनमें से एक मंद बुद्धि का कमजोर निकल गया मान ले, ये मेरा पराया तुझ में कब से आ गया है? वो तो है ही, पहले से ही है। दिन के 23 घंटे और 59 मिनट में बालक मंदिर के और बालकवाड़ी के बच्चों की हूँ, लेकिन रात को सोते समय कम से कम 1 मिनट तो मैं बेबी की हूँ, और सिर्फ बेबी की ही। उस 1 मिनट के लिए मैंने ये स्वार्थ जतन से बचा रखा है। ठीक है, ये ले, ये चेक। आपके आचरण से टीएन, मैं हमेशा उलझन में पड़ जाती हूँ। लगता है मैंने अभी आपको पूरी तरह से समझा नहीं, आपका सही मूल्यांकन मैं कभी कर ही नहीं पाई। अरे हमारा मूल्यांकन हम ही कब ठीक ठाक कर पाए, वही करना आया होता तो हमने अपने आप को यूं हवा में उड़ा दिया होता क्या? और मैं तो कहता हूँ, अरे हम जैसों को समझने की कोशिश ही करने की क्या जरूरत है? सुअर की काया में बृहस्पति का दिमाग भरकर भेज दिया गया हमें, और हम पर लाद दिया गया ये काम कि शराब पीकर कुछ वक्त के लिए ही सही उस अनमोल दिमाग को इस बदनसीब शरीर से मुक्त कर दें। क्यों पीता हूं शराब समझी तुम? इस दिमाग की मुक्ति के लिए।
सारे पैसे तो बालवाड़े को दे डाले, आप शराब कैसे पिएंगे आप? शराब? अरे मैं किसी की मेहरबानी से पीता हूँ, कड़ी मेहनत की पीता हूँ। अरे अभी भी कोई ना कोई मुवक्किल आ जाता है छोटा मोटा केस लेकर। हमारी फीस पता है कितनी है? उस जमाने में तो 300 थे एक दिन के। अब दिन की एक बोतल क्या? हाँ, हम बड़ी ईमानदारी से केस लड़ते हैं, जितवा कर भी देते हैं। लोगों को शर्म नहीं आती आपकी कीमत इतनी घटाते हुए? लोगों को और शर्म? यदि सिर्फ बोतल पर भी मजूरी करवाएं तो भी हर्ज नहीं, लेकिन वहां भी इज्जत नहीं रखते। शराब भेजेंगे वो भी नौकर के हाथ, कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि वकील साहब आपने हमारा इतना मुकदमा जितवा दिया, चलिए हम आपको अपने हाथों से पिलाते हैं। उस वक्त तो मैं हो जाता हूं शराबी पियक्कर, मुझे चार कोस दूर रखेंगे। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, भेजो नौकर के हाथ शराब, लेकिन कम से कम वो तो अच्छी भेजोगे कि नहीं? बोतल स्कॉच की और अंदर होती है कंट्री, है? पूछो तो कहेंगे कि दुकानदार ने मिलावट की होगी। उनको लगता है इस शराबी को भला क्या पता चलने वाला है। सालो, तुम लोगों को डीएन के गुणों की परख भले ही ना होगी, लेकिन इस डीएन को तो शराब की पूरी परख है। तू चिंता ना कर, बिल्कुल चिंता मत कर, मुझे पैसों की जरा भी जरूरत नहीं है। अरे मरने तक मुझे कहीं ना कहीं शराब मिलती ही रहेगी, चिंता ना कर। ऐसी की तो चिंता है मुझे। एक बार की बात बताऊं तुझे, बड़ी मजेदार बात हो गई। जेब में पैसे नहीं थे, यानी जरा भी नहीं थे, पूरा घर छान मारा, बिकने जैसी एक एक चीज घर की बेची जा चुकी थी। फिर क्या किया होगा मैंने, पूछ तो। तू तो नहीं बूझ पाएगी। सोचा अरे अभी एक चीज तो ऐसी है जिस पर हमारा मालिकाना हक है, है? उससे तो हम कभी भी बेच सकते। कौन सी चीज? हमारा ये शरीर। क्या? हाँ। शरीर? सीधे मेडिकल कॉलेज गया और उन्हें मरणोपरांत चीर फाड़ के लिए अपना शरीर बेचा 25 रुपए में। पच्चीस रुपए? हाँ। आपके शरीर की कीमत सिर्फ 25 रुपए? अरे शरीर की नहीं रही, बोतल की। अरे सोचा शरीर बेचकर ही पीना है तो जरा बढ़िया किस्म की पी जाए। लेकिन लेकिन ऐसा कैसे कर पाए आप? अरे इसमें क्या खासियत है, जीते जी शरीर बेचने वाले लोग हैं इस दुनिया में। अरे मरने के बाद मुदर शरीर को बेचा तो उसमें क्या हुआ, फालतू ही जल जाता, इससे तो 25 रुपए की कमाई कर ली। ये बुद्धिमानी और व्यवहारिकता नहीं हुई क्या? अंतिम संस्कार कौन करेगा, ये परेशानी भी मिट गई। आपकी बातें सुनती हूँ तो मेरी छाती में छुरियां चल जाती है। आप इंसान है या कुछ और है? एक तरफ 1,00,000 रुपए उठा कर दे डाले और दूसरी तरफ 25 रुपए के लिए। बस बस बस, पगली है तू तो, खुद को बुद्धिवादी कहलवाती हो और मरने के बाद शरीर का क्या होगा इस विषय को लेकर इतनी भावुक हो रही हो? बस 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 करिए अब, और कुछ मत बोलिए।
अगर आप मौत के बारे में कुछ और कहेंगे तो कसम है आपको मेरी। अच्छा अच्छा नहीं मालिक, चलिए मालिक खाना खाने, गरम गरम भात परोसा है बासमती का, उसके ऊपर कड़ी और घी की धार, रोटी देखिए कैसे एकदम रेशमी रुमाल की तरह बनाई है। रोटियां मैंने बनाई हैं। हाँ जीजी ने बनाई है। अरे भाई लेकिन ऐसा बढ़िया खाने की इन दिनों आदत नहीं रह गई मेरे पेट। ना ना अब टाल मटोल नहीं चलेगा, वचन यानी वचन, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये आदमी मुझे बदहजमी से मरवाएगा। फिर मरने की बात कर रहे हैं आप? सॉरी मौत के बारे में नहीं बोलना है ना, ओ आई एम सॉरी। आइए मालिक। चल भाई। ठहरो अभी आई। सॉरी हाँ बहुत देर लग गई मुझे, लेकिन क्या करता दीदी, बंसी स्टोर्स में ऐसा दूसरा पीस था ही नहीं, कितनी सारी दुकानें छानी तब कहीं जाके ये मिली, लेकिन हाँ है बिल्कुल उसी रंग की और बूटियां भी वैसी ही हैं। तू साड़ी लेकर आ गया गोपाल? हाँ आप ही ने कहा था ना लाने के लिए। हाँ। बेबी कहाँ है? गोपाल तू इतनी दौड़ धूप करके साड़ी ले आया, लेकिन लेकिन रुक, तुझे सब कुछ समझाना पड़ेगा। समझाना पड़ेगा दीदी? हाँ। क्या हुआ? नहीं मैं कह रही थी कि मैं बेबी गोपाल। दीदी गोपाल मुझे कुछ हो रहा है। दीदी गोपाल। दीदी क्या हुआ आपको? दीदी शंकर भैया जल्दी आओ, देखो दीदी को क्या हो रहा है। जीजी जल्दी आओ। अरे कोई दीदी शंकर जल्दी डॉक्टर साहब को फोन लगाओ, जल्दी जल्दी शंकर भैया पानी लेके आओ। दीदी क्या हुआ प्रमिला, कैसी तबीयत लग रही है? प्रमिला प्रमिला अभी आपने घर तीनों का हो इस नाटक का छठवां भाग सुना। इस नाटक के लेखक थे मूल मराठी रंगमंचीय लेखक रत्नाकर मतकरी और हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था राजम पिल्ले ने। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका अनुसार पात्र परिचय इस प्रकार है। प्रमिला मंजू भाटिया, जीजी शीला शुक्ल, डीएन जयरूप जीवन, बेबी भारती कानड़े, डॉक्टर महेश शर्मा, शंकर अमर कक्कड़, गोपाल भूपेंद्र सिंह और युवक राजीव रंजन वर्मा। निर्देशक शिवदास घोड़के, निर्माण सहयोग मेधा पिल्ले। इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानड़े। इसी नाटक का सातवां और अंतिम भाग इसी दिन यानी कि शुक्रवार रात 10 बजे आप सुन सकेंगे। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।